हे गाइस, गुड इवनिंग। चलो तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आई स्टिल हैव टू मोर कंपनीज टू कवर फॉर द डे। तो पहला कंपनी का नाम है ओशिया हाइपरमार्ट और दूसरा तो ऑफ कोर्स है डेल्टा कॉर्प। ठीक है, सो पहले ओशिया हाइपरमार्ट के बारे में जानते हैं। बहुत ही छोटी कंपनी है, 300 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। और ये कंपनी क्या है, ये आप देखोगे, ये जो हाइपर रिटेल मार्ट्स होते हैं ना, जब आप कोई अंदर जाओगे तो आपको कपड़े मिलेगा, जूते मिलेंगे, ग्रॉसरी मिलेगा, राइट। सो और भी बहुत सारी चीजें आपको, फर्नीचर वगैरह मिलेंगे, ठीक है। सो ऐसे और वो भी खाने वाने का सब कुछ चीजें मिलेगा, FMCG का सारे सामान मिलेगा, शैम्पू साबान से लेके वॉट नॉट, राइट। तो ये जो कंपनी है ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और इनका अगर आप देखोगे आज कुछ टोटल 36-37 स्टोर्स है, ठीक है। तो उसमें से 31 स्टोर्स है उनका हाइपर मार्ट है, मतलब जैसे मैंने बताया इतने सारे जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा जो है कि उनका कुछ मिनी मार्ट्स है, कुछ 4-5-6 मिनी मार्ट्स है जो जिसमें सिर्फ ग्रोसरीज बिकता है, ठीक है। अब रिसेंटली क्या होता है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने मिनी मार्ट्स को बंद कर रहा है और ज्यादा हाइपर मार्ट्स खोल रहा है, इससे मार्जिन एक्रेटिव हो रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप ग्रोसरी बेच रहे हो तो आपको तो पता ही, राइट, कि ग्रोसरी बेच के मार्जिन आपको कुछ मिलता ही नहीं है, आपको बहुत वॉल्यूम का गेम खेलना पड़ेगा तब जाके आपको प्रॉफिट दिखेगा, है ना। तो ये कंपनी को ये बात समझ में आ गया, तो ओशिया ने क्या किया, अभी धीरे धीरे करके अगर आप 2023 के ईयर का, अगर मैं पिछले साल का बात करूं, तो उन्होंने कुछ 4 या 5 हाइपर मार्ट्स खोले और 3 से 4 मिनी मार्ट्स को बंद कर दिया। इनका एक 9 मिनी मार्ट्स था, लेकिन अभी आज देखोगे तो 5 है, तो 4 बंद हो गया और 3 से 4 से 5 उन्होंने हाइपर मार्ट ऐड किया। इससे क्या हुआ, कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन भी मिला फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। दूसरे साइड में अगर मैं देखूं ये बहुत ही छोटी कंपनी है, तो कभी कभार क्या होता है ना, छोटी कंपनीज में आपको डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक रीजनलाइज बिजनेस है, ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। इन अ वे के लाइक ये कंपनी का अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे एक विजन वाला कैटेगरी है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का कहना है, अब देखिए ये कोई कॉन कॉल करता नहीं, तो इसलिए मुझे वेबसाइट ढूंढना पड़ता है, बीएससी में एनएससी में देखना पड़ता है, कभी कभार कोई क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, तो वो सब पढ़ के मैं ये सब चीजें को आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है, एक समरी करके, ताकि आपको सारी इनसाइट्स मिले। तो वो कंपनी क्या बता रहे हैं, अपने वेबसाइट में बोला गया है कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स दे वांट टू स्केल अप द नंबर ऑफ हाइपर मार्ट्स टू 140 इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। अभी कितना है हाइपर मार्ट्स उनका, 30-35 के आसपास, और अगर आप 140 कर रहे हो इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, दैट मीन्स यू आर टेलिंग मी दैट यू विल प्रोबेबली मेक द नंबर ऑफ हाइपर मार्ट्स टू 4x to 5x इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, है ना। मतलब इनका बहुत ही तगड़ा एक्सपेंशन प्लान है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी और कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स ये कॉन कॉल करता नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इनका दुबई में भी एक हाइपर मार्ट है एंड दे आर टारगेटिंग अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो इसका क्या मतलब, कंपनी को अभी, अब देखिए पॉइंट क्या होता है कि एक कंपनी अगर एक रीजन में रह जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो छोटा मार्केट कैप हो गई रहता है। मतलब अगर ये गुजरात वाला कंपनी गुजरात में ही रहेगा और कहीं आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, तो वहीं पे वही रह जाओगे, है ना। लेकिन मुझे वैसे कंपनीज में इंटरेस्ट है, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना के आपको भी बता रहा हूँ, बिकॉज जो कंपनी एक रीजन से चालू होकर पूरा पैन इंडिया स्प्रेड करने वाला है, वही तो बड़ा पैसा बना सकता है ना, बिकॉज वहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। और यहाँ पे एक बात आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला राइट कि यहाँ पे सब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सब बेचते हो, जूते, कपड़े, ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे ऑफकोर्स सबका मार्जिन तो कम ही है। यह देखोगे आप, ये डीमार्ट की तरह ये बिजनेस है, तो अगर आपका डीमार्ट के तरह कोई बिजनेस है तो आपको समझ में आया कि लाइक डीमार्ट का स्टॉक ऊपर कैसे गया, राइट। डीमार्ट गया बिकॉज डीमार्ट ने अपना स्टोर्स को एक्सपैंड किया, पैन इंडिया बनाया, है ना। मतलब एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ में तो आप बहुत जगह में डीमार्ट देखोगे। अगर डीमार्ट एक ही जगह में रह जाता ना, तो डीमार्ट का स्टॉक कुछ करता नहीं, बिकॉज यहां पे आपका मार्जिन एक्सपेंशन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव। जैसे देख रहे हो ओशिया भी अपने मार्जिन को थोड़ा थोड़ा करके एक्सपैंड किया, बिकॉज हाइपर मार्ट खोल रहे और मिनी मार्ट बंद कर रहे हैं ग्रोसरी वाला, लेकिन फिर भी आज अगर उनका पैट मार्जिन अगर आप देखोगे ना, दैट इज आई थिंक अराउंड 1.5%। मतलब 100 रुपए का सेल्स है तो कुछ 1.5 रुपीज का इनका प्रॉफिट है, राइट। मतलब क्या, एकदम रिजर्व थिन मार्जिन में बिजनेस मॉडल है, बट ये बिजनेस मॉडल का नेचर ही है। तो अगर आपको पता है कि यहां पे प्राइसिंग में आपका कोई हाथ नहीं है, बिकॉज आप ये भिंडी सब्जी बेच के या किसी और का लक्स और लिडिल बेच के आपका कितना ही मार्जिन बनेगा, राइट। तो खेल है वॉल्यूम का। उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि जैसे ये कंपनी ने बात की अपने वेबसाइट में के लाइक कि दे आर ट्राइंग टू स्केल अप टू न्यूअर ज्योग्राफीज, राइट। इंडिया में आई थिंक दे आर टारगेटिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आई थिंक राजस्थान, आई गेस, हाँ, दीज आर द 3 स्टेट्स। और उनका आई गेस झांसी इन यूपी में
में उनका एक और स्टोर है. तो सिंस दे टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स आई फेल्ट के लाइक ओके नाउ दिस बिजनेस कैन बी मतलब आपके सामने में ला सकता हूं. बिकॉज जो बिजनेस स्केल नहीं कर रहा है, लो मार्जिन बिजनेस है, वो शेयर होल्डर के लिए पैसा बनाता ही नहीं है. ओके, यही वाला पॉइंट है. अब देखते हैं और कुछ डिटेल्स मेरे पास है कि नहीं. हाँ, अब चलिए उनका जो भी सामान बेच से, अब देखोगे कि लाइक उनका 50-50 रेवेन्यू शेयर मतलब रेवेन्यू का स्प्लिट है. 50% आता है वो फूड एफएमसीजी सेगमेंट से, और बाकी का जो 50% आता है वो है कि नॉन फूड नॉन फूड कॉम्पोनेंट से, लाइक अपैरल्स, शूज, फर्नीचर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो यही वाला पॉइंट है. आई हैव स्पोकन अबाउट द फैक्ट के लाइक. अच्छा, एक और पॉइंट है कि उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है. ठीक है, रिजल्ट्स अच्छा आ रहा है क्यों? बिकॉज जैसे मैंने बताया 2023 में दे ओपन 4 न्यू हाइपर मार्ट्स. अब वो हाइपर मार्ट्स क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो अगर मैं Q3 का बात करूँ ना, इनका सेल्स वेंट अप बाई आई थिंक अराउंड 70% के आसपास, 70% ऑन अ YOY बेसिस, और कंपनी के पास थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी था. नाउ ये जो डेटा है ये मैं स्क्रीनर से उठा के आपको दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे NSE या ये तो आई गेस BSE में लिस्टेड नहीं है, लेकिन NSE में भी ये कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ मतलब कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन में कुछ है नहीं. तो मैंने सिर्फ स्क्रीनर में देखा, तो इसलिए आई फील के लाइक मैं आपको सोर्स बता देता हूँ. ठीक है, क्योंकि स्क्रीनर में जाके अगर आप चेक करोगे YOY लेवल पे Q3 over Q3 सेल्स वेंट अप बाई आई थिंक अराउंड 70% के आसपास. और अच्छा, इसको छोड़ के मुझे एक और सवाल जो बहुत लोग मुझे करते रहते हैं कि आप देखोगे ये कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, इन्वेंटरी में माल ज्यादा होता है हमेशा, राइट? ऐसा क्यों? ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्लोजर भी नहीं है उतना. जितना छोटा मार्केट कैप कंपनी ना आप देखोगे और वो उसको जितना बड़ा बनना है, उसके पास कहां से फ्री कैश फ्लो आएगा? सोचिए, अगर आपके पास 2 दुकानें हैं और आप चाहिए आपको और 4 दुकानें खोलना है, तो आपके पास फ्री कैश फ्लो कहां आएगा? बिकॉज आप तो जो पैसा बना रहे हो आप तो वो 4 दुकान खोलने में लगा दे रहे हो, फिर आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ रहा है. अगर आप डेट बैंक से पैसा उठाओ या आप QIP करो मतलब इक्विटी रेस करो, कुछ भी करो, लेकिन छोटे कंपनी अगर स्केल अप करता है ना, तो आप देखोगे उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बुरा लगेगा, बैलेंस शीट बुरा लगेगा. सिर्फ इनकम स्टेटमेंट अगर अच्छा होता है ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस शीट भी बेटर हो जाएगा एंड कैश फ्लोज भी बेटर होगा. तो आपको इस एंगल से देखनी चाहिए व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ स्मॉल कंपनी. क्या होता है ना, आज बहुत लोग ये ITC और मैरिको टाइप का कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, और बट वो तो एस्टैब्लिश बिजनेस है ना, राइट? आई एम प्रेटी श्योर ITC जब चालू किया था तो पहले 5-10 साल में उसका बैलेंस शीट आज के जैसा नहीं है, लेकिन जितना आप मच्योर्ड बन जाओगे उतना आपका बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा दिखने लगेगा. लेकिन जो छोटा, लेकिन उन बिजनेसेस का प्रॉब्लम क्या है ITC मैरिको में? उसका सेल्स ग्रोथ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बेकार है, गॉट इट? लेकिन ऐसे बिजनेसेस में क्या है, इनका इनकम स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा आपको बुरा दिखेगा. सो एंड देन ऑफकोर्स इतनी छोटी कंपनी है, कौन कॉल नहीं करता है, डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम है, राइट? एनुअल रिपोर्ट अगर आप खोलोगे इस कंपनी को तो एकदम फालतू टाइप का है, कुछ दिया ही नहीं है एनुअल रिपोर्ट में. ठीक है, एकदम 120-125 पेज का है. MDNA जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस का सेगमेंट है, उसमें कुछ रैंडम बातें बोल के छोड़ दिया. क्या बातें बोला मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने यही बोला रिटेल में बहुत ग्रोथ है हमारे देश में, 10% से ग्रो करेगा रिटेल सेगमेंट इन इंडिया, उसमें ऑर्गेनाइज रिटेल विल ग्रो एट अ फास्टर पेस देन रिटेल. अब ये तो सबको पता है ना, ई कॉमर्स विल ग्रो एट अ फास्टर पेस देन मतलब ट्रेडिशनल रिटेल का बात कर रहा हूं. अब ये बोल के अब अगर MDNA का सेगमेंट छोड़ दोगे तो फिर क्या ही होगा? बट यही है ना, छोटी कंपनी है, आपको ऐसे कंपनीज के साथ बड़ा होना है. मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं ऐसे स्टॉक्स का. ऑल आई एम सेइंग इज के लाइक यहां पे यू कैन ऑलवेज बिल्ड पोजीशंस, राइट? हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते रहो, ईयर ऑन ईयर देखते रहो. मैं इस कंपनी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई भी स्मॉल कैप मार्केट कैप वाला कंपनी हो ना, तो आपको एक जर्नी के तरह उसको देखना है, एंड यू कैन ऑलवेज इंक्रीज एलोकेशन. बिकॉज आज अगर कोई 300-500 करोड़ का कंपनी है, वो अगर बहुत अच्छा कर गया, स्केल अप कर लिया, तो वो कल जाके 5,000 करोड़ का भी मार्केट कैप हो सकता है ना, फिर 20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप हो सकता है. तो फिर आपको हड़बड़ी क्यों करनी है ना? और जितनी छोटी कंपनी आप देखोगे स्टॉक में भी उतना वॉलेटिलिटी होगा, है ना? और कोई आके कोई खरीदा बेचा, यहां पे आपका फ्लोटिंग शेयर्स भी कम रहता है, तो यहां पे बहुत सारे दिक्कतें होता है. लेकिन कीप दिस थिंग्स इन माइंड, राइट? और इनके साथ आप एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक के साथ और उनके इन्वेस्टर्स कैसे है आप, मतलब ये कंपैरिजन एकदम एक एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं बनता है. सो ये बनता है ओशिया का. ऑफ कोर्स ये मैंने कुछ दिन पहले ही पहले बार ट्रैक किया, मैंने इस पे ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाला था और वीडियो भी बना दिया ताकि आपको और क्लैरिटी मिले. अब चलिए अभी हम बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की तरफ, जिस कंपनी में सारे के सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ठीक है, मतलब देखिए डेल्टा कॉर्प एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बोल सकते हो कि लाइक कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है. पहला पॉइंट तो है कि उनका सेल्स बढ़ना बंद हो गया. ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सरकार पीछे लग गया है. इनका जीएसटी बढ़ा दिया गया, इनका टैक्सेशन बढ़ा दिया गया. नाउ यही वाला पॉइंट है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया बाई 30% ये जीएसटी बढ़ाने के चक्कर में. ठीक है, अब सोचिए जब भी कोई कंपनी का
आप अगर उसका जीएसटी बढ़ा देते हो तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो सबसे पहले मार्जिन हिट होता है। तो इसीलिए आप देखोगे स्टॉक भी ऊपर से इतना नीचे गिर गया, क्यों? बिकॉज आप देखोगे इस कंपनी का, अगर मैं Q3 का पैट बोलूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई थिंक दैट नंबर फेल बाय 50%, ठीक है? तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, राइट? एंड आई थिंक सेल्स ऑल्सो फेल बाय 10-15%। उसका एक और रीजन है, क्योंकि सोचिए अब डेल्टा कॉर्प तो बिजनेस करने आए, करेक्ट? अब डेल्टा कॉर्प का मैनेजमेंट ने क्या क्या कॉन कॉल में बोला, कुछ क्रिटिकल चीजें उन्होंने डिस्कस किया। पहला पॉइंट तो ये देखिए, अगर अपने कैसीनो बिजनेस पे इतना मतलब लफड़ा करोगे, जीएसटी बढ़ा दोगे एंड ऑल दैट, और कैसीनो के वजह से ही आप सोचो कितने सैकड़ों लोग गोवा जाते हैं, तो गोवा का टूरिज्म भी इफेक्ट होगा। ये हो गया पहला वाला पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया। दूसरा वाला पॉइंट उन्होंने यही बोला कि हम तो एक बिजनेस चला रहे हैं, करेक्ट? आप अगर हमसे ज्यादा टैक्सेस ले रहे हो तो हमको भी खर्चा बचाना पड़ेगा, राइट? खर्चा बचाने के लिए वो लोग क्या करना चालू किया था, मैं बता रहा हूं, आई थिंक सेप्टेंबर अक्टूबर में चालू किया था कि अगर कोई आके 100 रुपए दे रहे हैं तो यहां पे क्या होता है ना, आपको वो गैम्बलिंग चिप्स होता है ना, जहां से आप जाके स्लॉट मशीन में खेलते हो एंड ऑल दैट, तो वो 100 रुपए की जगह 80 रुपए का चिप्स देने लग गया, ठीक है? ये पोटैटो चिप्स नहीं है, ठीक है? ये वो गोल गोल चिप्स होता है, ठीक है, जो वो स्लॉट मशीन में डालते हो। सो 100 के जगह जब आपने 80 रुपए का चिप्स दिया तो कस्टमर तो बवाल करेगा, कस्टमर का तो वो बिजनेस सेंस नहीं है। कस्टमर इज लाइक, मैंने 100 रुपए का माल मुझे चाहिए तो 100 रुपए का वैल्यू का चिप्स चाहिए, राइट? तो कंपनी को, और फिर क्या हुआ, फिर कुछ कस्टमर उनको छोड़ के किसी और कैसीनो में चला गया। आप अगर गोवा गए हो तो यू वुड सी के लिए डेल्टा कॉर्प के कुछ कॉम्पिटिटर्स वहां पे है, एक बिग डैडी करके है, फिर वहां पे और भी एक दो लोकल कॉम्पिटिटर्स भी है वहां पे। सो क्या है, तो वहां पे लोग चले जा रहे, राइट? तो बीच में क्या होगा, डेल्टा कॉर्प का बिजनेस भी जा रहा है, वॉल्यूम डिग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यूज गिर रहा है, फुटफॉल घट रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो वाला थिंग को बंद किया। अब उन्होंने क्या बोला कस्टमर को, ठीक है भाई तुम 100 रुपए दे रहे हो तो तुमको मैं 100 रुपए का ही माल देता हूं, चिप्स देता हूं, जाके अंदर जाके खेलो। लेकिन कंपनी ने कॉन कॉल में एक चीज बताया कि आगे का एक एवरेज कस्टमर का जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होता है था, अभी वो प्रोबेबिलिटी और घटा दिया है ना, बिकॉज नाउ द कस्टमर्स कांट कीप विनिंग दैट मच, बिकॉज फिर कंपनी क्या कमाएगा, गॉट इट? सो अभी अगर आप डेल्टा कॉर्प में जा रहे हो वर्सेस आप अगर एक साल पहले जाते थे, अभी आपका डेल्टा कॉर्प में जाके कोई स्लॉट मशीन से जीतने का प्रोबेबिलिटी और घट जाएगा, बिकॉज इट मेक सेंस ना, बिकॉज कंपनी का तो खर्चा इतना बढ़ गया। अब कंपनी नहीं चाहेगा ना कि कस्टमर्स भी अंदर जाके ज्यादा से ज्यादा माल जीते, है ना, ज्यादा से ज्यादा दे मेक मोर मनी, दे वुड वॉन्ट द कस्टमर्स टू कम उनके होटल में रहे, राइट? उनका खाना पीना खाए, राइट? और स्लॉट मशीन में सारे जो पैसा जो चिप्स में कन्वर्ट करके देते हैं वो गवा के ही निकले, है ना, जीतना नहीं चाहिए, राइट? तो जो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक एंड इट मेक्स बिजनेस सेंस फॉर देम, राइट? एंड ऑफकोर्स शायद मैं भी उनका जगह होता तो शायद ये भी करता, एंड आई फुल सिंपथी फॉर देम, बिकॉज देखिए ये हमारे कंट्री का ही उसूल है कि लाइक अगर कोई भी धंधे का कोई एक मोनोपोलाइज बिजनेस हो जाता है ना तो सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसीलिए अब देखो कि डेल्टा कॉर्प जैसा बिजनेस जिनका मतलब इंडिया में देखो, इंडिया में तो आज गैम्बलिंग लीगल नहीं है अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। आज आप देखोगे सिक्किम में है, गोवा में है, दामन एंड दीव में इधर उधर है, तो पॉइंट है कि लाइक और वहां भी जो चल रहा है वहां भी आप लोगों को चैन की नींद सोने नहीं दोगे, है ना? और उनका जो पॉइंट है कि लाइक गोवा का कैसीनो मतलब अगर चला जाता है या फिर अगर डेल्टा कॉर्प कल अगर गुस्से में आके बोलता है कि चलो मुझे हमें नहीं करना है बिजनेस, आई मीन ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा, बट हैविंग सेड दैट इतना लड़ाई झगड़ा करके कौन टिकता है ना? आपका स्टॉक भी ऊपर से 60-70% गिर गया है, है ना? तो मतलब डिमोटिवेटेड बात है, टैक्स बढ़ा दिए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बिकॉज गोवा का एक बहुत बड़ा, बिकॉज मैं तो बहुत बार गोवा जाता हूँ, राइट? एंड आई हैव सीन के लाइक कितने लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो जहाज में चढ़ने के लिए गोवा आते, करेक्ट? सो दैट्स बैड फॉर द इकोनॉमी एज वेल, राइट? सो इस तरीके से आप तो किसी को नहीं लूट सकते, मतलब आई माइट बी यूजिंग द वर्ड लूटना इन अ बैड वे, बट यू गेट द पॉइंट हियर। बट हैविंग सेड दैट अगर मैं एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे कंपनी से मैं बहुत दूर रहूंगा। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो डेल्टा कॉर्प ऊपर से नीचे गिरा है, चार्ट देख के खरीदा और वहां से स्टॉक और 30% गिरा है और अभी वो फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। देखिए पॉइंट है के लिए कंपनी कोई गाइडेंस कैसे देगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। फिर इनका ना कुछ और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके भी लड़ाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो जीएसटी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और पता नहीं क्या चल रहा है। बिजनेस का तो बात कॉन कॉल में कोई करता ही नहीं है, गाइडेंस का बात कोई करता ही नहीं है, ठीक है? सो ऐसे बिजनेसेस को आप ट्रैक करो, ऑफकोर्स आई ट्रैक इट, आई विल मेक वीडियोस एवरी क्वार्टर फॉर यू, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस स्टॉक को खरीद लूं ये सोच के लाइक भाई मतलब कल जाके ये बिजनेस पे टर्न अराउंड होगा, नहीं। मुझे सिचुएशन बेटर चाहिए, मैं चाहता हूं कि लाइक बिजनेस पे फुटफॉल्स बढ़े, वॉल्यूम ग्रोथ हो, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज वापस आए। और ऐसा नहीं होनी चाहिए कि लाइक आप एक बिजनेस चला रहे हो जहां पे यू डोंट वांट योर कस्टमर्स टू विन। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि लाइक यू नो कस्टमर्स आर लीविंग यू फॉर समथिंग एल्स, एकदम मायूसी है पूरा पूरा कॉल में। सो यही वाला पॉइंट है,
तो डेल्टा कॉर्प का और क्या ही बोले, मतलब कुछ नहीं है बोलने लायक। और अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला 30% उनका कॉस्ट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस होल जीएसटी इंक्रीज के वजह से। सो यही टैरिफ हाइक का स्टोरी है, और तो कुछ है ही नहीं। इससे तो बेटर वो ओशिया हाइपर मार्ट बेटर लगता है, बट ऑफकोर्स उनका कोई कॉन कॉल नहीं होता है, तो उनका डिस्क्लोजर का इशू है। और यहाँ पे देखो इतने सारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है जो कंपनी को, मतलब कंपनी उनसे एकदम जूझ रहा है। एंड देयर इज आई डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद डेल्टा कॉर्प अभी के लिए। अब देखते हैं Q4 में क्या होता है, राइट? और उसके बाद फिर से विल मेक द वर्कशॉप एंड देखते हैं मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।